हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं सीएसएस कैश कैडिंग स्टाइल शीट्स। इसको जो है नॉर्मली सीएसएस शॉर्ट फॉर्म में सीएसएस भी बोला जाता है। इज ए सिंपल डिजाइन लैंग्वेज इंटेंडेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेज प्रेजेंटेबल। कहने का मतलब सिंपली डिजाइन करने के लिए या जो आपके एचटीएमएल के वेब पेजेस हैं उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेंटेन करने के लिए सीएसएस का यूज किया जाता है। सीएसएस हैंडल्स द लुक एंड फील पार्ट ऑफ ए वेब पेज। मतलब जब भी आप सीएसएस के साथ काम करते हैं तो आपको ये लगता है कि आप वेब पेजेस को देख रहे हैं या उनके साथ में काम कर रहे हैं। यूजिंग सीएसएस यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ द टेक्स्ट, द स्टाइल ऑफ फॉन्ट, स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ, हाउ द कॉलम आर साइज एंड लेड आउट, द व्हाट द बैकग्राउंड इमेज और कलर आर यूज्ड, एज वेल एज ए वैरायटी ऑफ द अदर इफेक्ट्स। आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए टेक्स्ट के स्टाइल्स को चेंज करना, उसके कलर को चेंज करना, पैराग्राफ की स्पेसिंग को मेंटेन करना, कॉलम के साइज को, मैनी मोर। सीएसएस इज इजी टू लर्न, अंडरस्टैंड व्हाट इट प्रोवाइड द पावरफुल कंट्रोल ओवर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को कंप्लीटली हैंडल करने के लिए सीएसएस का बहुत ज्यादा यूज होता है और ये इजीली समझ में आने वाली है। अगर आपको एचटीएमएल अच्छे से आता है तो आपको ये समझ में आ जाएगी। मोस्ट कॉमनली सीएसएस इज कंबाइंड विद द मार्कअप लैंग्वेज। मतलब इसको कंबाइन किया जाता है एचटीएमएल और एक्सएचटीएमएल, एक्सटेंडेबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कई बार जो है आपके एक्सएचटीएमएल की या एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है यूज में। अब देखिए एडवांटेज क्या रहते हैं सीएसएस के, वो देखते हैं। सेव टाइम, आपका टाइम सेव करता है। यू कैन राइट द सीएसएस वंस, द रीयूज द सेम शीट इन मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस। यू कैन डिफाइन द स्टाइल फॉर ईच एलिमेंट्स एंड अप्लाई इट टू एज मैनी वेब पेजेस एज यू वांट। मीन्स ये है आप एक ही पेज के अंदर मल्टीपल टैग्स को हैंडल कर सकते हैं सीएसएस का यूज करके। आपका टाइम, अगर मान लीजिए अगर हम एचटीएमएल की बात करें तो हमें क्या है, एक एक टैग को मेंटेन करना पड़ता है, जबकि अगर मान लीजिए टैग आपने अच्छे से हैं लगाए हैं और उनको कंट्रोल करना है तो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं उनकी कलरिंग है। अदरवाइज आपको टेक्स्ट जो आपको कोड जो है वो बहुत ज्यादा करना पड़ता है। पेज लोड्स फास्टर, पेज आपका बहुत जल्दी रिडायरेक्ट होता है, पेज आपका बहुत जल्दी रिडायरेक्ट होता है और फास्ट जो है वो बहुत फास्टली जो है वो। बात करें पेज लोड फास्टर की, सीएसएस में बनाया हुआ पेज जो है बहुत जल्दी रिडायरेक्ट होता है। इफ यू आर यूजिंग सीएसएस, अगर हम सीएसएस का यूज कर रहे हैं, यू डू नॉट नीड द राइट एचटीएमएल टैग एट्रीब्यूट एवरी टाइम। मतलब हमें हर बार टैग के एट्रीब्यूट को मेंशन नहीं करना पड़ेगा, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। हमें सिर्फ हल्का फुल्का सीएसएस का कोड चेंज करना है और हमारा पेज जो है वो मेंटेन हो जाएगा। जस्ट राइट वंस सीएसएस रूल ऑफ द अक्रेंस ऑफ दैट टैग, सो लेस कोड मींस फास्टर डाउनलोड टाइम्स। कहने का मतलब ये है, आपने अगर एक बार सीएसएस के रूल्स को अप्लाई कर दिया टैग्स के ऊपर तो जब भी वो रिडायरेक्ट होगा वो फास्टर रिडायरेक्ट होगा, डाउनलोडिंग उसकी अच्छी होगी, इजीली मेंटेनेंस है, सुपीरियर स्टाइल्स टू एचटीएमएल। मतलब बहुत अच्छे से जो है एचटीएमएल के टैग्स को हैंडल करता है। मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी, मतलब ये बहुत सारे डिवाइसेस को लाइक मोबाइल, आपके मोबाइल्स हैं, पीडीए हैं, और मान लीजिए आपके आईपॉड्स हैं, आपके लैपटॉप्स टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं आपके, मतलब हर तरीके की डिवाइसेस को ये हैंडल कर लेता है, कंपैटिबल हो जाता है। ग्लोबल वेब, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी की अगर मैं बात बताऊं या मल्टीपल ब्राउजर सपोर्टेबल की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक रहता है कि हर एक ब्राउजर्स के लिए हमें अलग से कोड मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन एक ही बार मेंटेन करना पड़ेगा और हर ब्राउजर में इसका जो व्यू रहता है वो डिफरेंट रहता है। ग्लोबल, देखिए ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड को भी ये फॉलो कर रहा है और so it is good idea to start using in all html pages to make the compatible with the future browser. css is created, agar hum baat kare ki isko maintain aur create kisne kiya to w3c ne www
.com जैसे मान लीजिए आप हर एक वेबसाइट से पहले www उसे वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बोलते हैं, उन्होंने उसके ग्रुप ने इसको क्रिएट किया था, उन्होंने इसको अप्लाई किया था। देखिए नीचे नोट में दिया भी होगा वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम और द W3C इज ए ग्रुप दैट मेक्स रिकमेंडेशंस अबाउट द हाउ इंटरनेट वर्क्स एंड हाउ इट शुड इवॉल्व। CSS वर्जन की अगर हम बात करें तो इसका फर्स्ट वर्जन जो आया था वो 1996 में आया था, दिसंबर के आसपास जो है इसको रिकमेंडेड किया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज में लिया गया 1998 में यूज में लिया गया। करें तो ए CSS कंप्राइज ऑफ द स्टाइल्स रूल्स दैट आर द इंटरप्रेट बाय द ब्राउजर एंड अप्लाइड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन योर डॉक्यूमेंट्स। ए स्टाइल रूल इज मेड ऑफ थ्री पार्ट्स, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज। व्हाट इज द सिलेक्टर्स? ए सिलेक्टर इज एन द HTML टैग एट विच ए स्टाइल विल बी अप्लाइड। दिस कुड बी एनी लाइक टैग लाइक H1 टेबल पैराग्राफ एटसेट्रा। एंड द प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी इज ए टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ द HTML टैग। पुट सिंपली ऑल द HTML एट्रीब्यूट आर कन्वर्टेड, लाइक जैसे मान लीजिए हम बात करें टेबल, टेबल में विड्थ है, जैसे मान लीजिए हाइट है, बॉर्डर है एटसेट्रा। ये देखिए आगे इसने मेंशन भी किया है, दे कुड बी द कलर बॉर्डर एटसेट्रा एंड द वैल्यू आर असाइंड टू प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल कलर प्रॉपर्टी कैन हैव द वैल्यू आइदर रेड और द, ये कोड दिया गया है। अब ये नीचे सिंटेक्स बता दिया गया है इसका, यू कैन पुट CSS रूल सिंटेक्स एज फॉलो, सिलेक्ट द सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। एक एग्जांपल दिया गया जैसे टेबल हो गया, टेबल का बॉर्डर हो गया 1 pixel बॉर्डर की थिकनेस आ गई, सॉलिड उसका स्टाइल आ गया और #C00 ये क्या आ गया, ये कलर आ गया। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।